दिस वीडियो, हम आगे जो पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, ये बात ध्यान रखो, इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो हमारा जो YouTube चैनल है कैमोफिलिक एजुकेशन, आप टाइप कीजिए, मेरी फोटो लगी हुई है और जेबी सर की लगी हुई है मेन चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाए कीजिए हमेशा, और प्लेलिस्ट में आप जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री सर्च करते हैं तो शुरू में सारे लेक्चर्स वहाँ पे आ जाएंगे। तो जो इनिशियल लेक्चर्स होते हैं मोस्टली टॉपिक्स के, वो यूट्यूब पर हैं, वो हम ऐप पर नहीं डालते हैं। ऐप पर हो भी सकते हैं कुछ के, नहीं भी हो सकते हैं। अगर आपको इनिशियल चैप्टर्स लेक्चर्स नहीं मिलते हैं तो आप YouTube से देखिए, YouTube से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ ऐप से आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि सर इनको ऐप पे भी डाल के रखो, वहाँ भी डाल के रखो, YouTube पे जो है उनको आप वहाँ से देखिए, उसके बाद जो डाउनलोड करने हैं वो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं आप ऐप, उसके बाद आप ऐप पे आते हैं। दूसरी बात, आप एक शेड्यूल जो आपको दिया होगा हमेशा ही, कुछ लोगों को कोई आइडिया नहीं होता है कि सर वो बस लेक्चर्स ऐप पर परचेज कर लेते हैं और पढ़ते रहते हैं, ना उन्हें कोई शेड्यूल मिल पाता है, ना उन्हें कोई आइडिया होता है। तो ये बात ध्यान रखो, अगर आप जुड़े हुए हैं तो प्रॉपर तरीके से ही काम को कीजिए। हमारा जो नंबर है 888-248-1674, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आप किस बैच में हैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप, उसका टेलीग्राम लिंक, जहाँ डाउट डिस्कशन वगैरह होते हैं वो सब आपके पास होना चाहिए प्रॉपर। उसके अलावा क्या शेड्यूल फॉलो करना है, लेक्चर किस सीक्वेंस में देखने हैं, कौन सा किस मंथ के लिए डिसाइडेड है, उसी परफेक्ट तरीके से फॉलो करते हुए चलो। एंड देन उसके बाद कोई भी डाउट रहता है तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बता सकते हैं, क्योंकि टेस्ट हम उसके अकॉर्डिंगली ही लेंगे आपसे, ठीक है। इसलिए अब को मैं आपको मैंने बता दिया इन चीज़ों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है अब वो आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बहुत बार पढ़ा एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होगा, ये वर्ड्स जो हैं इनको मैं क्लियर करता हूँ अभी। तो सबसे पहली चीज़ है एनेंशियोमर्स, या फिर एनेंशियोमॉर्फ, या ऑप्टिकल एंटीपोड्स, या इन्वर्टोमर्स। ऑर्गेनिक में कभी कभी अलग वर्ड यूज भी कर देते हैं वो, तो एक बार सुना होना चाहिए, पर मीनिंग है एनेंशियोमर कंपाउंड क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, तो ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है बिल्कुल उसी के मिरर इमेज जैसा दिखने वाला एक और कंपाउंड इस नेचर में एग्जिस्ट करेगा, और वो दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर कहलाते हैं। पूरी डिटेल में समझाया था, अगर आप सारे सीक्वेंस लेक्चर फॉलो करें सीक्वेंस में फॉलो कीजिए। इसके बाद सबसे पहली बात क्या है, तो एनेंशियोमर के बारे में हर चीज़ को ऐसे पॉइंट्स में डिवाइड कर लो। मैं लिखने का तरीका भी सिखा रहा हूँ अब कि पॉइंट्स को कैसे याद रखना है। मोस्टली लोग पढ़ लेते हैं, याद रख लेते हैं सारी चीज़ों को, और फिर वो कुछ टाइम बाद उन्हें लगता है सर अब जो पढ़ा था वो सारा भूल चुके हैं। तो ये बात ध्यान रखो, मेरे को हर क्वेश्चन का आंसर इसलिए आता है क्योंकि मेरी थ्योरी हर वक्त उतनी ही स्ट्रांग है, चाहे मैं आज पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, पर आप लोग बहुत बार नहीं पढ़ा चुके हैं और आपने पढ़ाया भी नहीं है। तो आप अगर अपने आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद, इसीलिए हर टॉपिक को इस तरीके से तुम कभी भी करना, मैं हमेशा चीजों को ऐसे करता हूं कि कितने पार्ट्स हैं तो हमें कितनी बातें ध्यान रखनी है, ये चीजें हमें ध्यान रहती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं एनेंशियोमर्स के बारे में हमें दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि इनका नाम क्या है, ये पहली बात नहीं है, मतलब ये तो पता ही होना चाहिए। पहली बात ये है कि एनेंशियोमर वो होते हैं जो एक दूसरे पर सुपरइंपोज नहीं होते हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल कैसे लगते हैं, मिरर इमेज की तरह। तो पहला पॉइंट हो गया नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ये पॉइंट जो है आज के बाद तुम्हें ध्यान आ जाना चाहिए, जैसे ही हम किसकी बात कर रहे हैं एनेंशियोमर्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है जितने भी एनेंशियोमर्स होंगे उनमें, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो क्या क्या चीजें एबसेंट होंगी, तो एबसेंट को बहुत क्लियरली समझ लेना, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी उनमें, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और ना ही कोई ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, यानी कि एस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए इन तीनों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब मैं इन चीज़ों को कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं पहला केस ले रहा हूँ, अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है, यानी कि चारों ग्रुप उससे डिफरेंट जुड़े हैं, तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है CHO, CH3, OH और H, ये फिशर प्रोजेक्शन बनाई हुई है मैंने इसकी, तुम जानते हो जो ये होंगे राइट वाले ये ऐसे फ्रंट में बाहर निकले होते हैं, और जो ऊपर और नीचे हैं ये पीछे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हमेशा ऐसे ही इमेजिन करके चलना होगा तुम्हें इनको।
दूसरी बात ध्यान रखो, कुछ क्वेश्चंस में मैं जानता हूँ कि हम जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मैंने प्रायोरिटीज़ किसी एक दो को ऊपर नीचे दे दिया हो स्पीड में पढ़ाते वक्त, लेकिन उसको आप लोग अपने आप सही कर लेना। मोस्टली बच्चे कमेंट भी कर देते हैं, सर ये प्रायोरिटी यहाँ पे सही है होनी चाहिए, वो बहुत ईजी काम है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो सारे सही रहेंगे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैंने जल्दबाजी में मैं स्पीड से काम कर रहा होता हूँ, तो हो सकता है मैंने जल्दबाजी में किसी प्रायोरिटी को गलत दिया हो, कॉन्फ़िगरेशन आर की जगह एस आ रही हो, वो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग इतने सारे समझदार हैं ही, हम यहाँ सब्जेक्ट सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, नीचे बच्चे कमेंट कर देते हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूँ जिसका सही होता है, ऐसा ये वाली बातें सही हैं। और आपको अगर लगता है कि सर ये कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ भी डाउट हो तो हमेशा कमेंट कर दिया करो, बच्चे एक दूसरे की हेल्प वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये कंपाउंड है और मैं कह रहा हूँ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पहली बात तो, यानी कि यहाँ पे कायरल सेंटर ये रहा, चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट है, तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब इसी की नेचर में, इसी की मिरर इमेज जैसा दिखने वाला एक और कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन पेपर में हमें क्या दे रखा होगा, एक ये दे रखा है और एक ऐसे बना के देंगे CHO CH3 OH, और बोलेंगे क्या ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं या नहीं है, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स। तो पहली बात, क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये बात जरूर ध्यान से देख ले। तो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ मिरर रखा हुआ है, बिल्कुल OH की इमेज यहाँ आ रही है यहाँ पे, तो देखने में पहला पॉइंट हो गया, बिल्कुल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एक दूसरे की लगते हैं, इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड जो है वो क्या है, एक दूसरे के एनेंशियोमर है। अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना चाहते हो तो ये है कायरल सेंटर नंबर 1 2 3 4, 1 से 2 की तरफ हो जाएंगे लाइक दिस, तो दिस इज एस और इसको निकाल के देखो, दिस इज 1 सॉरी दिस इज एस, तो तब होता जब ये जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है ये यहाँ पे नहीं होता, लीस्ट प्रायोरिटी वाला अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए, तो एस नहीं है, दिस इज आर, 1 2 4 3, 1 से जा रहे हैं इस तरफ को तो ये R होना चाहिए, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी वाला यहाँ पे है तो ये R नहीं है, ये क्या है, S है, ठीक है। तो एनेंशियोमर्स में अगर एक कायरल सेंटर है, देखने में मिरर इमेज है, तो कॉन्फ़िगरेशन एक की अगर R है तो दूसरी की क्या होगी, S होगी, ठीक है। अब देखो इतनी सी ही पॉइंट है एनेंशियोमर्स के बारे में, आगे बहुत सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाएंगे, लेकिन इतनी बात सफिशिएंट है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं जो भी एनेंशियोमर्स हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए, कि एनेंशियोमर अगर ये दोनों हैं तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये जितने भी एनेंशियोमर्स हैं इन सब की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती है, हमेशा सेम होती है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब इनकी सोल्युबिलिटी हो सकती है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, तो वो हमेशा ही अगर कोई भी दो एनेंशियोमर्स हैं एनेंशियोमर्स होंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। दूसरा पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन एक ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ जो एक कायरल है, ठीक है, क्योंकि अगर वो कायरल है तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग हो सकती है, हो सकता है एक एनेंशियोमर उससे रिएक्ट करता हो दूसरा ना करता हो, अगर वो दूसरा कंपाउंड क्या है, कायरल है। तो ये मैंने इसे साफ साफ लिखा भी है कि अगर रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो डिफरेंट होती है, हो सकती है, इस बारे में हम कोई कमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पर पॉइंट क्या है, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, एक कायरल कंपाउंड है तो उसके साथ दोनों की रिएक्टिविटी क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। ये इनकी प्रॉपर्टीज है जो ध्यान से समझनी। इसके अलावा इनको हम कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। डिस्टिलेशन मींस क्या प्रोसेस होगा, मान लो एक एनेंशियोमर दोनों प्रेजेंट हैं एक, और हम क्या करते हैं, हीट कर रहे हैं, हीट करके, याद करो 10th क्लास में छोटी छोटी जो हमने पढ़ी है क्लासेस में, उसमें क्या होता है, दो लिक्विड को मान लो अलग करना होता था, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता था, तो हीट करते थे पहले वाले को इवेपोरेट करके और फिर कंडेंस कर लेते थे अलग जगह पे। लेकिन हम एनेंशियोमर्स को कभी भी इन टेक्निक से नहीं सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, तो ना तो तुम डिस्टिलेशन कर सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे ही सॉलिडिफाई होंगे, सेम टेम्परेचर पे ही वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, इनको इन मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्या क्या डिफरेंट होता है एनेंशियोमर्स में, अगर ये मैं कह रहा हूँ ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, तो पहली बात तो है इनका जो ऑप्टिकली एक्टिव जो लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसकी तरफ इनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। यानी कि अगर एक लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है
तो वो यानी कि अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा वाला जो है वो क्या होगा, लीवर रोटेटरी होता है, यानी कि डिफरेंस है मोड ऑफ रोटेशन में, अगर एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा हमेशा ही, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, जैसे ही एंजाइम वगैरह है, ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर आइसोमर जो एनेंशियोमर जो है वो हमारी बॉडी में जब जाता है वो पर्टिकुलर एंजाइम से रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में एक एनेंशियोमर ऐसा हो सकता है जो मेडिसिन की तरह काम कर रहा है और उसी का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जैसा दिखने वाला एनेंशियोमर हमारे लिए पॉइजन का काम भी कर सकता है। तो ये बात यही रिफ्लेक्ट करती है कि एनेंशियोमर्स जो हैं ऑप्टिकली एक्टिव जो हैं कायरल मॉलिक्यूल जो हैं उनके लिए इनकी रिएक्टिविटी जो है वो हमेशा डिफरेंट हो जाती है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इनकी क्या होगी, डिफरेंट होती है। तो ये एनेंशियोमर्स जो हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरी बात यह है, अगर हम बात करते हैं सर, अगर ये दोनों ही एनेंशियोमर हैं और ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इनको दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन में लो तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर हम इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, तो यहाँ से हमारे पास दो वर्ड नए आ जाएंगे, एक रेसमिक मिक्सचर और दूसरा एनेंशियोमरिक एक्सेस क्या होता है, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड को हाईलाइट करते हैं कि पहले जो मैंने यहां पे लिखा है आप लोग सभी इसको बिल्कुल ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट दोनों वर्ड को क्लियर करेंगे। दो जो चीजें हमें और समझनी है वो है रेसमिक मिक्सचर एंड एनेंशियोमरिक एक्सेस। पहले हम रेसमिक मिक्सचर की बात करते हैं। रेसमिक मिक्सचर जैसे कि नाम से ही पता है चल रहा है, मिक्सचर है, कोई दो चीजें प्रेजेंट होती हैं इसमें और वो जो दो चीज हैं वो पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स प्रेजेंट होंगे, एक डेक्स्ट्रो होगा दूसरा लीवो होगा, ऐसा सॉल्यूशन और दोनों याद रखना हमेशा इक्वल अमाउंट में ही प्रेजेंट होंगे तो ही वो सॉल्यूशन को हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। थियोरेटिकल पार्ट में पहले लिख देता हूं, अदरवाइज टाइम लगता है बहुत ज्यादा। तो क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं रेसमिक मिक्सचर के बारे में, फर्स्ट पॉइंट ये जो है इक्विमोलर, यानी दोनों के मोल्स क्या होंगे सेम, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनेंशियोमर का होता है। दूसरी बात, ये सॉल्यूशन हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और जो वर्ड हम यहां यूज करते हैं इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव समझाने के लिए वर्ड है एक्सटर्नल कंपनसेशन। देयर आर टू वर्ड, एक्सटर्नल कंपनसेशन एंड इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन पर हम अभी आएंगे, तो फिलहाल हम ये समझ सकते हैं एक सॉल्यूशन में जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट आती है और वो एक सॉल्यूशन जिसमें दोनों ही एनेंशियोमर अवेलेबल हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, तो उस लाइट को दोनों के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगी। तो अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज कर देगा, दैट मींस ओवरऑल अफेक्ट जो है वो कोई ऑब्जर्व नहीं होगा। दैट मींस अगर एक रेसमिक मिक्सचर है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अफेक्ट नहीं करता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव बिहेवियर शो करता है टुवर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ को। इसके अलावा तीसरी बात यह है, जो रेसमिक मिक्सचर है उसमें ई इज द एनेंशियोमरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी, ये वर्ड भी आगे यूज होते हैं। एनेंशियोमरिक एक्सेस कितना होगा रेसमिक मिक्सचर का, जीरो। तो हमारे दिमाग में एक नया वर्ड आ गया है यहाँ पे अब कि सर ये एनेंशियोमरिक एक्सेस क्या हुआ। देखो रेसमिक मिक्सचर में हमेशा दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, तो एक्सेस में कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे सॉल्यूशन भी तो हो सकते हैं जिसमें एक एनेंशियोमर ज्यादा हो दूसरा कम हो, इतनी सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, जरूरी तो नहीं है हर रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट में रेसमिक मिक्सचर बनता हो, किसी में बन भी सकता है, किसी में एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर ज्यादा बनता है, तो जो ज्यादा प्रेजेंट होगा उसके, इसीलिए हमने डिफाइन किया हुआ एनेंशियोमरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है उसकी। तो एनेंशियोमरिक एक्सेस कैसे निकालते हैं, अगर एक सॉल्यूशन में दोनों एनेंशियोमर प्रेजेंट है तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दोगे परसेंटेज को, तो जो ज्यादा है कितना ज्यादा है वो बचा है वो नजर आ जाएगा। एनेंशियोमरिक एक्सेस के बारे में तीन पॉइंट है ध्यान रखना, जो मेजर कंपोनेंट एनेंशियोमर है, मान लो एक बनाया 70%, दूसरा कितना है 30%, तो अगर मैं पूछूं एनेंशियोमरिक एक्सेस कितना है तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो 70, दूसरा कितना था 30, तो 40% एनेंशियोमरिक एक्सेस होगा। ये मैं यहाँ वर्ड यूज करूँ, आगे इनको यूज करेंगे हम आगे और केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है एनेंशियोमरिक एक्सेस का यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे पता लगेगा कि मेजर कॉम्पोनेंट जो है वो कितना है अगर एनेंशियोमरिक एक्सेस दी हुई है। तो ये सारी बातें मैं तुम्हें समझा देता हूं और फिर मैं बताऊंगा इन फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो लॉजिकली बातें समझी जा सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 70% डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला एनेंशियोमर प्रेजेंट है और उसमें 30% कौन है लीवो वाला, और अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि एनेंशियोमरिक एक्सेस कितनी है तो तुम जानते हो कि दोनों में से ज्यादा कौन है, डेक्स्ट्रो साफ साफ नजर आ रहा है, तो 70 में से 30 माइनस कर दो 40% जो है डेक्स्ट्रो वाला क्या है ज्यादा है, ये तो आ गई है एनेंशियोमरिक एक्सेस। ये भी पूछा सकता है कितना परसेंटेज ऑफ रेसमाइजेशन कितना हुआ है, रेसमाइजेशन समझ रहे हो ना बात, कि कितना उसी अमाउंट में जिसने डेक्स्ट्रो
मान लो डेक्स्ट्रो है और लीवो है, इक्वल तो है नहीं इस बार, पर कुछ ना कुछ लीवो ने इस डेक्स्ट्रो के जो अफेक्ट है उसको, जो वो प्लेन प्लोराइज लाइट को जो भी अफेक्ट करता है क्लॉकवाइज में, उसको मैं कह सकता हूँ कैंसिल कर दिया होगा, वो कितना कर दिया होगा, तो उसके लिए वर्ड हो सकता है कि कितना परसेंटेज ऑफ रेसमाइजेशन हुआ है। तो अगर तुम लॉजिकली समझो 70% है डेक्स्ट्रो, 30% है लीवो, 30% लीवो वाले ने 70 में से 30% जो है उसको, जो डेक्स्ट्रो है उसको तो रेसमाइज कर दिया होगा, तो रेसमाइजेशन वाला कितना पार्ट हो गया हमारा 60% जो है वो परसेंटेज ऑफ रेसमाइजेशन होता है। यानी कि कैलकुलेट अगर करना हो तो एक सिंपल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 100 माइनस एंश्योमेरिक एक्सेस, ठीक है। क्योंकि लॉजिकली जब हम जाते हैं तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती कॉन्सेप्ट में, अदरवाइज आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं एक है 60%, दूसरा है 40%, तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस कौन सा है, तो 20% है डी वाला, डेक्स्ट्रो वाला 20% है। और मैं कहूं कितना परसेंट रेसमाइजेशन हुआ, तो इसके 40 ने इसके 40 को और कर दिया होगा, तो 80%, या फिर तुम निकाल सकते हो 100 माइनस 20 80% एनेंशियोमेरिक एक्सेस को माइनस करके। 25% है डेक्स्ट्रो, 75% है लीवो, एक्सेस में कौन सा है इस बार, लीवो है, कितना है 75 माइनस 25 विच इज 50। और दूसरी बात यह है कि कितना परसेंट रेसमाइजेशन हुआ, तो ये 25 इसके 25 को और कर देगा, तो 50% जो है वो रेसमाइजेशन हुआ है, और यू कैन यूज द फॉर्मूला एज वेल। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मान लो मुझे दिया हुआ है एनेंशियोमेरिक एक्सेस, फॉर एग्जांपल कितना है इसमें 40 है इसमें, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर एनेंशियोमेरिक एक्सेस 40% है, तो जो ज्यादा वाला है, और डी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे ये बताओ जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है जो एनेंशियोमर वो कितना है। तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस से ज्यादा वाले को कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले की बात करेंगे तो 100 प्लस ज्यादा वाला निकालना है तो प्लस करेंगे, और कम वाला जो है माइनर कंपोनेंट निकालना है तो 100 में से माइनस करेंगे एनेंशियोमेरिक एक्सेस, और 2 से क्या कर देना है डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 40% एनेंशियोमेरिक एक्सेस है डेक्स्ट्रो वाले की, तो बताओ मेजर वाला जो है वो कितना परसेंट है, तो 100 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 कितना जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। या फिर तुम लॉजिकली समझो, जब 40 ज्यादा है ये, ठीक है, तो इसका मतलब बाकी जो 60% बचा वो उसमें वो दोनों बराबर बराबर होंगे, तो 40 तो डी वाला ज्यादा है ही, और जो 60 बचा उसमें से भी 30 कौन सा होगा डी वाला, और 30 कौन सा होगा लीवो वाला, तो 40 और 30 कितना हो गया 70, और लीवो कितना होता है 30। दैट मीन्स कोई फॉर्मूले जरूरी भी नहीं है, पर मैं रेफर करूंगा तुम लोगों की कि तुम इन चीजों में कभी कभी गड़बड़ कर देते हो, मोस्टली बच्चे ऐसे प्रॉब्लम लेके आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम फॉर्मूले यूज कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो अगर मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं 50% लीवो वाला जो है उसका एनेंशियोमेरिक एक्सेस है, तो जो माइनर कंपोनेंट है सॉल्यूशन में वो कितना परसेंट होगा, तो तुम्हें 100 में से 50 क्या करना है इस बार माइनस 50 डिवाइड बाय 2 कर दोगे 25%। तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस का एक छोटा सा आइडिया हो गया है, रेसमिक मिक्सचर जो है वो क्या होता है उसका भी एक आइडिया सा हमने थोड़ा ले लिया है। अब हम बात करते हैं, अभी मैंने क्या समझाया था, अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल सेंटर हो तो उसमें एनेंशियोमेरिक पेयर बना के दिखाए थे, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में मान लो दो कायरल सेंटर है, अब हम धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, कंपाउंड्स केस नंबर 2 लिखेंगे हम, क्या कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 डिफरेंट कायरल सेंटर। अब यहां पे बात समझ लेना, मैंने ये नहीं कहा है कंपाउंड कंटेनिंग 2 कायरल सेंटर, 2 डिफरेंट कायरल सेंटर वर्ड यूज किया है मैंने, दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। पहले जो मैं लेके चल रहा हूं वो कौन सा है, वो डिफरेंट वाला है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है COOH इस तरीके से CH3, और दो कायरल सेंटर है यहां पे OH, एक H है, एक OH है और एक H है इस तरीके से, ठीक है। अगर हम तुमसे, अब मैं तुमसे बात करता हूं क्या ये दोनों कायरल सेंटर सेम है या डिफरेंट है, क्योंकि देखो इसके पास इस कायरल सेंटर पे एक COOH ग्रुप है, OH है और एक H है, इस पे एक OH है H है, ये दोनों तो सेम है लेकिन ये क्या हो गया डिफरेंट, इसलिए ये वाला वो केस है जिसमें दोनों कायरल सेंटर जो है वो क्या है डिफरेंट है। दोनों कायरल सेंटर सेम भी हो सकते थे अगर मैं इसकी जगह क्या लगा देता COOH, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किनकी कर रहे हैं डिफरेंट वालों की बात कर रहे हैं। जब दो कायरल सेंटर हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो है ये भी R हो और ये वाला भी क्या हो R हो, तो ये दोनों R R हो सकते हैं, S S हो सकते हैं, एक R एक S हो सकता है, एक S और एक R हो सकता है। तो ये जो है इनकी अगर हम कॉन्फिगरेशन निकालते हैं 1 2 S जा रहा है, ये R है 1 2 R, तो ये दोनों R हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों S हो, S बनाना है तो COH CH3 S, H को अगर हम आ आएगा इससे, ठीक है H हो जाएगा, ठीक है S S, तो ये दोनों
एस और एस हो गए हैं, पॉसिबिलिटी एक और है सी ओ ओ एच सी एच थ्री, ये आर, ये एस हो सकता है, और इसके अलावा ये एस, यहां मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, वहां एच है, और ये वाला आर हो सकता है, एस और आर। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग टू डिफरेंट कायरल सेंटर में ये चारों पॉसिबिलिटीज हैं, और मैं इनका नाम कर देता हूं। लेट्स सपोज ये कंपाउंड नंबर वन है, ये टू है, ये थ्री और फोर। अब हमें इनके बीच में रिलेशन देखने हैं कि ये क्या क्या है। तो बताओ वन एंड टू, ये इनके बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहली बात ध्यान से देखो, क्या ये देखने में एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज की तरह लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहे हैं। प्लस इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है, इसकी आर है, इसी क्या है एस है और एस है। अगर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है बिल्कुल, तो आर आर एस एस, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर, मिरर इमेज की तरह लग रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। प्लस और अगर दोनों कॉन्फ़िगरेशन इसकी आर है, यहां दोनों क्या होंगी एस हो गई हैं, तो वन और टू जो है इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के एनेंशियोमरिक पेयर हैं। वन और टू, थ्री एंड फोर को देखते हैं, थ्री एंड फोर, क्या थ्री एंड फोर को ध्यान से देखो, ये बिल्कुल मिरर रखने जैसा लग रहा है। थ्री एंड फोर भी एक दूसरे की मिरर इमेज है, और कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहां आर है तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो गई एस, इसमें ये एस है तो क्या हो गया है आर हो गया, और कॉन्फ़िगरेशन दोनों की रिवर्स हो गई है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो एनेंशियोमेरिक पेयर है। वन एंड थर्ड के बीच में रिलेशन देखते हैं, वन और थ्री जो है ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं लग रही है। ठीक है, वन और फोर जो है ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं लग रहे हैं। वन एंड थ्री, वन एंड फोर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। टू एंड थ्री भी इसी तरीके से, एंड टू एंड फोर भी जो है एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं लग रहे हैं, और ना एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोला जाता है इनके बीच में जो रिलेशन है, एक और नया वर्ड डायस्टीरियोमर्स। तो नया वर्ड आ गया है, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। जैसे हमने एनेंशियोमर देखा था, अब हम देखते हैं कि डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, और फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसको लिख लो पहले। तो अब हम डायस्टीरियोमर्स जो है क्या होंगे उन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो अभी हम थियरी पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हम मैं बिल्कुल मिनिमम रखे हूँ, पहले थियरी को क्लियर कर देते हैं। सारी चीज़ें क्या है, एनेंशियोमर्स क्या है हमने सीखा, रेसमिक मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस पढ़ लिया है। अब डायस्टीरियोमर वर्ड यूज हुआ तो उसकी पूरी कहानी तुम्हारे सामने है, बहुत ध्यान से। पहले जिसकी थियरी स्ट्रांग होती है वही कि हर टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है, इसलिए मैं बीच में से क्वेश्चंस हटा रहा हूं ताकि तुम्हें कनेक्टिविटी नजर आए। तो पहली बात क्या है, डायस्टीरियोमर्स क्या होंगे, तो कितने तरीके से मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं। पहली बात तो यह है, डायस्टीरियोमर्स वो स्टीरियोइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह नहीं लगते हैं। पीछे अभी मैंने दोनों बना के दिखाए थे, वो इस बात को जस्टिफाई करते हैं। दूसरी बात मैंने यहां भी समझाई है, अगर उस कंपाउंड में कायरल सेंटर है, पहली बात तो कम से कम दो होने चाहिए तभी डायस्टीरियोमर्स का कॉन्सेप्ट वहां बन सकते हैं। अगर एक ही कायरल सेंटर है और उन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगी तो वो एनेंशियोमर कहलाएंगे। अगर मान लो एक कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स हैं, तो वो उनको कैसे पहचानते हैं। एनेंशियोमर्स में तो क्या होगा, इन कायरल सेंटर पे अगर सब पे आर कॉन्फ़िगरेशन है तो उस पे सब पे एस होनी चाहिए, यानी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं सारी कॉन्फ़िगरेशन, तो वो एनेंशियोमर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ पर सेम हो और कुछ पर डिफरेंट हो जाए तो वो जो बनते होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स। इसलिए मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ इस चीज़ को कि एटलीस्ट टू कायरल सेंटर्स तो कम से कम होने ही चाहिए। दूसरी बात, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी एट सम कायरल सेंटर्स, किसी पे सेम, कुछ पे सेम हो सकती है, चाहे वो एक भी हो, एक पे दोनों पे सेम होगी, बाकी पे डिफरेंट भी हो सकती है। दैट मींस ऐसा कुछ नहीं है कि सब पे एक दूसरे का अपोजिट होना जरूरी है। इसके बारे में अभी ये तुम्हारे काफी क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा, टाइम के साथ इस चैप्टर में हम सीख लेंगे। फिलहाल मैंने क्या बताया है कि जो एपिमर्स होते हैं और जो एनोमर्स होते हैं और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे जितने भी, जैसे सिस ट्रांस वगैरह हम बनाते हैं कि नहीं, ये प्लस जो रेथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स होते हैं, ये भी मैं अभी पढ़ा दूंगा आने वाली क्लासेस में, और एंडो एक्सो आइसोमर, ये जितने भी हैं सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं लगते हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी हैं। मान लो एक ये, क्योंकि तुमने ये पढ़ा है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसके एग्जांपल से बता देता हूं। मान लो ये है सी डबल बॉन्ड सी, इधर सी एल है, ये है सी एल,
ये है एच और ये एच, सी डबल बॉन्ड सी, ये है सी एल और ये है सी एल, ये है एच और ये है एच, ये एक दोनों के एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड जो है ये दोनों भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स कहलाए जा सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया है, पढ़ेंगे टाइम के साथ साथ सब आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स की क्या प्रॉपर्टी है, एनेंशियोमर्स से डिफरेंट कैसे है। तो डायस्टीरियोमर्स के बारे में पहली बात तो ये, एनेंशियोमर्स से कंपैरिजन में याद रखेंगे, एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी वो सेम थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा, डेंसिटी, सब क्या थी, सेम थी। लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी, ए कायरल मॉलिक्यूल्स थे उनके लिए तो सेम थी, लेकिन कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए उनकी रिएक्टिविटी जो है वो जो प्रॉपर्टीज है वो डिफर कर सकती थी। लेकिन जो डायस्टीरियोमर्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बोथ कैन हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट और डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, पहली बात तो ये, इसीलिए इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डिफर कर जाता है। दूसरी बात, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये सेम डायरेक्शन में भी, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में रोटेट करते हों, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो होगा, अगर वो सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो फिर डिफरेंट होगा, उनका सेम नहीं होगा, ठीक है। ये है इनका बिहेवियर टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट। तो यानी दे मे, ऐसा हो सकता है कि, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि सेम में भी करते हो, लेकिन अगर सेम में करते होंगे तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज्यादा होगा, किसी में 30 डिग्री। अभी हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रोटेशन वगैरह डिटेल में, तब एनेंशियोमेरिक एक्सेस की चीजें भी आएंगी तो पूरा कवर हो जाएगा। फिलहाल मैंने बता दिया है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन है वो डिफर करता है डायस्टीरियोमर्स में। और जब मैंने बता ही दिया है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। दो हमारे पास एनेंशियोमर्स हैं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डायस्टीरियोमर्स हैं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ही डिफरेंस हो गया, तो वो सारी टेक्निक्स वर्क कर सकती हैं जो हम दो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए करते थे, जो मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस करता हो, क्रिस्टलाइजेशन करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं इनके डायस्टीरियोमर्स को, तो इनका तो बहुत आसान केस होता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट, और एक छोटा सा ओवरव्यू है डायस्टीरियोमर्स के बारे में। तो हमने सबसे पहले केस पढ़ा था जब एक कर्ल सेंटर था, एक कर्ल सेंटर में अगर कॉन्फिगरेशन जो है दोनों की अपोजिट है तो एनेंशियोमर है। दो डिफरेंट कर्ल सेंटर थे तो अगर कॉन्फिगरेशन अपोजिट है जस्ट एक दूसरे की तो एनेंशियोमर है, एक पे सेम है दूसरे पे। आप कैलकुलेट देखो, जब मैंने डायस्टीरियोमर्स बनाए थे तो वो जो डायस्टीरियोमर्स है, जैसे मैंने 1 और 3 बताया था, तो एक पे कॉन्फिगरेशन सेम है, दूसरे पे क्या है, डिफरेंट है। तो अगर दो से ज्यादा कर्ल सेंटर होंगे उन पे हम आएंगे धीरे धीरे। अभी हम आगे एक और काम कर लेते हैं। अगर मान लो इस बार हम उस केस को डिस्कस कर रहे हैं कि जो कर्ल सेंटर्स हैं, इसको लिख लो पहले ध्यान से। अब देखो, कर्ल सेंटर्स जो हैं अगर दो हैं और दोनों जो हैं सेम हैं, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर इतनी जल्दी तो हमने लिखा नहीं, आपने मिटा दिया, तो ये बात तुम अच्छे से समझते हो कि तुम्हारे फोन में एक बटन है जिससे हम वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर दो केस नंबर थर्ड, दो कर्ल सेंटर हैं और दोनों कर्ल सेंटर्स जो होंगे वो क्या है, बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल, सी ओ ओ एच, सी ओ ओ एच, ओ एच ओ एच, ये हो गया है। इसके अलावा सी ओ ओ एच, यहां मैंने नहीं लिखा है, वहां हाइड्रोजन है, ओ एच एच, ओ एच एंड एच, सी ओ ओ एच। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है सी ओ ओ एच, दिस इज ओ एच एंड एच, ओ एच एंड एच, सी ओ ओ एच, सी ओ ओ एच, दिस इज ओ एच, इधर इधर ओ एच कर देते हैं इस बार, एंड इस बार इधर कर देते हैं ओ एच। तो हमारे पास फिर से 4 कंपाउंड मैंने बना दिए हैं और हमें इनके बीच में रिलेशन देखने हैं क्या है। तो देखो, 3 और 4 जो अगर हम बात करते हैं, देखने में बिल्कुल एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, और कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो अपोजिट आएंगे। तो 3 और 4 जो हैं क्या है, ये एनेंशियोमर है। 1 और 3 को अगर देखते हो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे नहीं है, 1 और 4 को देखते हो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे नहीं है। तो 1, 4 and 1, 3 and 1 डायस्टीरियोमर्स हैं, 1 and 2
वन एंड टू अगर तुम ध्यान से देखोगे बिल्कुल देखने में एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह है, और अब आ गया है ट्विस्ट का टाइम कि ये जो है दोनों के दोनों ही क्या हैं, सेम ही मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे के एनेंशियमर नहीं हैं। अगर तुम, क्योंकि ये दोनों का सेंटर जो है वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल सेम हो गए हैं, तो वन एंड टू जो है वो क्या है, सेम कंपाउंड्स हैं। तुम कॉन्फ़िगरेशन इनकी अगर फाइंड आउट करना चाहते हो, तुम इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब तुम्हें ये बात समझनी है, वन और टू अगर सेम कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जो सेम ही होते हैं उनको होमोमर कहा जाता है या आइडेंटिकल कहा जाता है। अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, मान लो यह है फर्स्ट प्रायोरिटी, यह है सेकेंड प्रायोरिटी, यह है थर्ड प्रायोरिटी, यहां से घूमेंगे S की तरफ को, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी यहां पे है, तो दिस इज R, ठीक है। इसकी बात करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, R की तरफ को घूमेंगे लेकिन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, वन से टू R, ये क्या है S, और इसकी बात करते हैं वन से इधर S की तरफ, ये क्या है R है। तो अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगता है सर देखो ये तो अपोजिट है आर एस एस आर, जबकि ये नहीं है। इस तरीके से इस मॉलिक्यूल को तुम रोटेट कर दो इधर 180 पे, तुम्हें पता चल जाएगा आर और एस में क्या कहानी है, सब चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है वन और टू, अगर दो कार्बन सेंटर हैं और दोनों सेम हैं, तो ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, क्योंकि इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखो, अगर यहां एक प्लेन रख दिया जाए तो तुम्हें देखिएगा नीचे वाला हाफ और ऊपर वाला जो हाफ है वो बिल्कुल क्या है, एक दूसरे का सेम है। ऐसे कंपाउंड्स जो हैं इनको ही अब हमें डिटेल में पढ़ना है, इन कंपाउंड्स को। वन और टू की अगर मैं बात करता हूं, दोनों होमोमर हैं या सेम होंगे, ऐसे कंपाउंड्स। अब एक नई क्लास ऑफ कंपाउंड्स आ गए हमारे पास, ये बात ध्यान रखना, पिछली बार ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों पैरेलल सेंटर क्या थे, डिफरेंट थे, इस बार क्या है, सेम है। तो ये कंपाउंड्स अगर मैं इसकी बात करूं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसे ही, ऐसे ही कंपाउंड्स का नाम होता है मीजो कंपाउंड्स। तो जैसे हमने एनेंशियोमर पढ़ा, रेशमिक मिक्सचर पढ़ा, डायस्टीरियोमर्स पढ़ा, अब एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स और आ गए हैं हमारे पास कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो पूरी कहानी जो है मीजो कंपाउंड्स की मैं आपके सामने अभी लिख देता हूं। तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, दो सिंपल पॉइंट्स मैं क्लियर कर रहा हूं एग्जांपल्स। अब इस पॉइंट के बाद, इन दोनों पॉइंट्स को समझने के बाद, ऑलमोस्ट ऑल टर्म्स जो बार बार यूज होने वाली हैं वो हमने पढ़ ली होंगी और हम अब सब पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, साथ साथ क्वेश्चन देके चीजें नहीं समझा रहा हूं। हर टाइप के क्वेश्चन जो भी हम अब करने वाले हैं उसमें सब चीजें आएंगी। अब तुमने कितनी ध्यान से थ्योरी सुनी है और समझी है वो मुझे क्वेश्चन के आंसर से ही तुम्हारे पता चल जाएगा। तो एक बार दो लास्ट वर्ड जो बचे हैं, मीजो कंपाउंड और रिजोल्यूशन क्या होता है, उस पर वर्क कर लेते हैं। मीजो कंपाउंड जैसे मैंने तुम्हें अभी बता दिया है, मीजो कंपाउंड है जिनके पास कम से कम एटलीस्ट बता रहा हूँ दो तो होने ही चाहिए कायरल सेंटर, और उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। तो अगर मैं देखे तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ इनमें से कौन मीजो कंपाउंड है, तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, कम से कम दो कायरल सेंटर। मैं तुम्हें हर चीज़ का हिंट पहले दे चुका हूं, और देखना तुम क्वेश्चन करोगे तो फिर तुम गलत करोगे, और वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम बात को ध्यान से समझो। मैं बहुत सीक्वेंस में बोल रहा हूं, हर बात को जो मैं बोल रहा था उसका एक मीनिंग है, वो किसी ना किसी लास्ट के क्वेश्चन को कवर करती हुई जा रही होगी, तो बहुत ध्यान समझो। पहले अगर मैंने तुमसे पूछा कि कौन सा मीजो कंपाउंड है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है दो कायरल सेंटर हैं, बिल्कुल है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो मीजो कंपाउंड है, और मीजो कंपाउंड है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, इट इज़ नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंशन। अगर एक मीजो कंपाउंड है उसने जो प्लेन पोलराइज्ड राइट को रोटेट किया है, उसका किसी और ने उसको रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट नहीं किया है। इस मॉलिक्यूल में खुद ही दो पार्ट होते हैं, जैसे कि हमने अभी मॉलिक्यूल बनाया था, एक आर था पार्ट, ऊपर वाला नीचे वाला था क्या, एस था, इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। तो तुम्हें बस ये बात ध्यान रखनी है कि मीजो कंपाउंड भी अगर कोई गिवन है तो वो कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही काउंट होगा। दोनों बात क्लियर हो गई। रिजोल्यूशन क्या होता है, अगर किसी एक मॉलिक्यूल है जो अपने एनेंशियोमर के साथ एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, अब उन एनेंशियोमर्स को सेपरेट करने की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। और हम बहुत अच्छे से बात समझ सकते हैं कि एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है तो उनको सेपरेट करना इतना ईजी नहीं रहता है। देर आर डिफरेंट मेथड, जैसे केमिकल
मेथड है या फिर बायोलॉजिकल मेथड है या फिर हम डायस्टीरियोमर्स बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल आर और एस दोनों प्रेजेंट है, कोई नया कंपाउंड ऐड कर दिया जो आर से भी जुड़ेगा जो एस से भी जुड़ेगा, तो आर आर बन गया यहाँ पे, आर एस बन गया यहाँ पे, डायस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, सेपरेट कर सकते हैं। देर आर सेपरेट सेवरल वेज जिनकी थियोरिटिकल किसी जगह से हम पढ़ सकते हैं, पर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या क्वेश्चन आएंगे इसको फोकस करते हुए मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ। अब तुम्हें यह बात समझनी है, अगर उन एनिशोमर को तुम सेपरेट कर सकते हो तो वो रिजोल्वेबल कहलाते हैं, अगर तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे वो नॉन रिजोल्वेबल है। क्वेश्चन ये होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजोल्वेबल और नॉन रिजोल्वेबल, जिसके एनिशोमर दो एग्जिस्ट करते हैं उनको तुम रिजोल्व कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है कि जो दो एनिशोमर तुम सोच रहे हो जो बन रहे हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टर होते रहते हैं बहुत स्पीड से, तो उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं नॉन रिजोल्वेबल पे फोकस करता हूं। अगर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन है कि रिजोल्वेबल और नॉन रिजोल्वेबल कौन होंगे, तो तुम्हें ध्यान रखना है नॉन रिजोल्वेबल क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड। पहले क्या देखना, उनमें से जो मीजो होगा उसको तुम रिजोल्व नहीं करते, क्योंकि मीजो कंपाउंड कभी भी अपना एनिशोमर नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल तुम इस बात को समझो, अभी हमने ये बनाया था COOH, COOH, OH, OH, और इसी की मिरर इमेज के जैसा दिखने वाला ये कंपाउंड भी था हमारे पास COOH। तो ये दोनों एनिशोमर देखने में लग रहे हैं, ये है नहीं, ठीक है, तो इनको कोई सेपरेट करने का मीनिंग ही नहीं, रिजोल्व ऐसे क्या हम इन दोनों को इस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं, नहीं, मतलब ही नहीं है। तो कंपाउंड ही क्या है, सेम कंपाउंड है। इसका मतलब ये है कि पहला पॉइंट, जब मैं पूछूंगा रिजोल्वेबल नॉन रिजोल्वेबल तो क्या क्या नजरें होनी चाहिए, उससे पहले सबसे पहले मीजो देखने की जरूरत नहीं है। तुम ये बात ध्यान रखना, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा नॉन रिजोल्वेबल होंगे, ठीक है, यानी कि मैंने दूसरे तरीके से भी इसको लिख के दिखाया, जो सिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, अभी मैं समझाऊंगा सिमेट्रिक, डायसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का क्या मीनिंग है। तो सिमेट्रिक का मतलब है जिनमें आई या पीओएस या दोनों प्रेजेंट हो, यानी सेंट्रोसिमेट्री, प्लेनोसिमेट्री या दोनों ही, दोनों के दोनों ही प्रेजेंट होंगे, वो कंपाउंड भी हमेशा नॉन रिजोल्वेबल रहेंगे। पिरामिडल इन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो अगर मैं यहां बात करूं कि मैं पिरामिडल इन्वर्जन से क्या कहना चाहता हूं, जिसमें ये इन्वर्जन हो रहा होता है उसके दो एनिशर आपस एनिशोमर्स आपस में सेपरेट करने में डिफिकल्ट होते हैं। मान लो हमारे पास है नाइट्रोजन, ये है इसके पास लोन पेयर, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू और दिस इज आर थ्री। मान लेते हैं ये प्लेन से बाहर आ रहा है और ये वाला जो है प्लेन के अंदर जा रहा है, तो इसका जो एनिशोमर होगा, क्योंकि हम इसको एक कर्ल सेंटर समझ रहे हैं, एक लोन पेयर हो गया एक ग्रुप और तीन ये हो गए हैं, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज की तरह दिखने वाला ये कंपाउंड है, दिस इज आर थ्री आर टू आर वन। तो ये दोनों कंपाउंड जो है एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज की तरह दिख रहे हैं, ये एनिशोमर हो सकते थे लेकिन ये नहीं है। तुम्हें इन कंपाउंड्स को पहचान लेना है, जो अमीन्स होते हैं, जिन साइक्लिक अमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं, ए साइक्लिक वालों की। इसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, और किस कैसे इंटरकन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो ये एक जो ट्रायंगुलर प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस तरीके से, और ये लोन पेयर जो है इस तरीके से प्योर पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं। यहां किस में है, sp3 में है, मैंने बताया था सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हो तो उसके पास एक पी ऑर्बिटल प्योर बचता है, यहां प्योर पी में आ जाते हैं और इस तरीके से रिवर्स ये इस तरफ आ जाएगा, या रिवर्स इन जो है, यानी कि ऐसे कर सकते हैं इसको, ये लोन पेयर इधर से इस तरफ आ जाएंगे लाइक दिस, देन r3 इज बिकम योर r2 और ये जो है r1। तो ये पिरामिडल इन्वर्जन जो है वो कंटिन्यूस होता रहता है, यानी मेरा पॉइंट ये है, अगर दो आपस में जो एनिशोमर हैं, लेट्स सपोज ये एनिशोमर हैं लेकिन एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं बहुत स्पीड से, तो इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो बस तुम्हें ये पहचानना है कि एमीन्स अगर आ गए हैं तो एमीन्स कभी भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनमें पिरामिडल इन्वर्जन है। रीजन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, या सिंपल पूछा हुआ, इनमें से किसको रिजोल्व नहीं कर सकते हैं, या इनमें से कौन एनिशोमर नहीं बनाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा
अब ये बात ध्यान रखना, अगर फॉस्फोरस होता इसकी जगह तो फिर उसमें पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होता है, ये रूम टेम्परेचर पे इसमें होता रहता है। फॉस्फोरस पे अगर यहाँ फॉस्फोरस होता तो उसमें पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होगा, तो उसको टिक करने की जरूरत नहीं है, उसमें बिल्कुल बन जाएंगे इसके एनेंशियोमर्स, सिर्फ एमीन्स जो है तुम्हें उनको ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ मैंने तुम्हें काफ़ी आइडिया दे दिया, बाकी अब क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट कर कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, कि दो कंपाउंड दे दूंगा, पूछूंगा तुमसे कि एनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर्स हैं, होमोमर्स हैं, क्या हैं, मीजोपोन है, इनमें से रिजोल्व हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो जो अब तक हमने सीखा है उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है, और सब चीज़ अच्छे से रिवाइज करके बैठो एक बार ध्यान से, और फिर हम जितने भी क्वेश्चन हैं हम सबको करेंगे।